वेलकम टू एसएसजीसी बचत का तड़का और आज हमारे साथ महानूर इस शो पे हैं क्योंकि महानूर को हमने पिक किया आउट ऑफ ऑल दिस पीपल जिन्होंने बहुत सारी रेसिपीज हमें भेजी थी और इनकी रेसिपी बड़ी सिंपल लगी और बड़ी ईजी मतलब इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है वो तमाम चीज़ें जो अमूमन घरों में बची हुई होती हैं उनको यूज़ करके बच्चों के लिए बनानी है महानूर बिल्कुल ये मेरी जो रेसिपी है ये घर में रात में मैंने खाना बनाया था आलू का भरता ठीक है आलू का भरता बनाया था वो बच गया मैंने सोचा कुछ नया इनोवेशन करूं कुछ करूं कि किससे वो खा लें और मेरा लेफ्ट ओवर भी सारा यूज हो जाए वरना अम्मा से डांट बहुत पड़ती अच्छा मामू एक काम करते हैं इसको पहले इसमें ये इटालियन सीजनिंग जानी है हाँ ये इससे ऊपर से सिर्फ हल्की सी स्मेल के लिए खुशबू के लिए तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल रेसिपी आलू का भुर्ता हर घर में होता है टू ऐड फ्लेवर खुशबू के लिए अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग है तो वो आप डाल सकते हैं मैं यहाँ क्या करूँगा कि ब्रेड अच्छा ब्रेड भी अमूमन ताजी भी होती है बच भी जाती है वो भी यूज कर सकते हैं हल्का सा माइक्रोवेव करो माइक्रोवेव की भी जरूरत नहीं है जब आप गर्म करेंगे तो वैसे वो फ्रेश हो जाएगी बेहतरीन मानू क्या करती हैं आप मैंने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है और अब मैं कलनरी आर्ट्स में प्रॉपर ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो ये इसमें मैंने केचप लगा दिया और ये जो है इसके ऊपर लगा दूँ हाँ आलू का भरता इसके ऊपर लगाएं सही स्प्रेड करें इसके ऊपर जी हाँ अच्छा इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स है जिसको चूरा करके हम डालेंगे ये ऊपर से ऐसे डाल देंगे जी बस इसको ऊपर से कोई चीज अंडर अंडर लगाने की जरूरत नहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं है ये बेसिकली कॉर्नफ्लेक्स में इसलिए यूज कर रही हूं इसमें क्रंच अच्छा आता है और बच्चों को थोड़ा क्रंची चीजें ये पसंद होती है आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड कि फूड के अंदर जितना सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे ना हां तो लोगों को चीजें बड़ी एंजॉय करते हैं खासकर बच्चे ये आप यूं ही डाल दो ना हल्का सा जी जी बिल्कुल ऐसे ओके और जिसको फ्राई करना हो पैन में हल्का सा इसको फ्राई भी कर सकते हैं इसको पैन से भी कर सकते हैं शैलो फ्राई वरना आप चाहें तो बेकिंग भी कर सकते हैं आई थिंक दो चार मिनट तो लगेंगे जब तक आपने कोई डिप बनाना था हाँ, मैं आपको सामान देता हूँ अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको चीज़ें दे दूँ डिप के लिए आपको मैंने चाहिए थी जी बिल्कुल मेयोनीज केचप मस्टर्ड और रेड चिली फ्लेक्स तो आप इसमें मेयोनीज डालेंगी जी मेयोनीज डालूंगी इसमें कोई रेसिपी है या बस अपने अंदाज़े से डालना है नहीं बेसिकली ये भी मेरी एक इनोवेशन थी मैंने आपका एक एपिसोड देखा था नान पिज्जा हाँ, हाँ। वो मैंने घर में ट्राई किया था okay. तो मुझे केचप उस दिन घर में था नहीं इतना मैंने सोचा क्या करूँ तो फिर मैंने बोला कि चलो केचप नहीं है ज्यादा तो कोई डिप ही बना लेते हैं जिसके साथ नान पिज्जा अच्छा लगे तो मैंने थोड़ी मेयोनीज ली थोड़ा सा केचप था वो यूज़ किया उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड डाला और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स क्रश डाल दिया और बेहतरीन से आपने डिप बना ली और जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम कदर करते हैं भूलते नहीं है तो गैस भी एक नेमत है हमारे लिए एंड ट्रस्ट मी इसको बचाएं सेव करें और दूसरी बात गैस का जो बिल आता है ना अमूमन हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा बिल होता है खैर कुछ लोग कहेंगे हाँ बहुत बड़ा बिल आता है लेकिन इसको फाइन बहुत बड़ा लगता नहीं तो आपको एहसास नहीं होता है तो प्लीज़ गैस का बिल फौरन भर दें ताकि तो आपकी बचत हो जाए वो जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लेना है वो ना लगे ओके आपको भी तैयार हो गया चलें मैं इसको सर्व करता हूँ निकाल sure. ओके ग्रेट और अच्छा जी और इसको आपने कहा स्ट्रिप्स में काट हाँ हाँ नाइस अगर मैं दिखा सकूँ कैमरे पर तो नीचे से नाइस गोल्डन ब्राउन हो गया है और ऊपर से भी क्रंच आएगा थैंक यू वेरी मच और आपका आने का बहुत शुक्रिया इट लुक्स अमेजिंग और प्लीज़ आप भी हमें बताएं कि रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी पसंद आई कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास कोई अच्छी सी ऐसी रेसिपी जिसमें आपको लगता है कि बचत हो सकती है हम कोई चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि आप भी हमारे साथ इस शो में आके अपनी कोई रेसिपी दिखा सकें अल्लाह हाफिज़